हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल एजुकेटेड श्रावस्ती में। आज हम बात करेंगे जंतुओं के गर्भकाल को लेकर। जंतु कितने समय तक गर्भवती होती है और बच्चा उसका शिशु कब जन्म लेता है। गर्भ पूछता है आपसे कि गर्भकाल अवधि किसको कहा जाता है, तो आप जवाब देंगे कि बच्चा मतलब जब कोई महिला या कोई फीमेल एनिमल जब गर्भ धारण करती है, जिस दिन गर्भ धारण करती है उससे लेकर शिशु के जन्म तक की अवधि को गर्भकाल अवधि कहते हैं। आप लोगों को बेसिक पता होगा कि महिला जो एक ह्यूमन बॉडी की हम बात करते हैं, एक ह्यूमन बीइंग की बात करते हैं, तो उसका गर्भकाल समय है 259 दिन से लेकर 294 दिन। 259 दिन से लेकर 294 दिन में एक महिला गर्भ धारण करती है और अपने शिशु को जन्म दे देती है। ठीक उसी तरीके से तमाम जंतु भी इस दुनिया में, इस पृथ्वी पर तमाम तरह के एनिमल पाए जाते हैं। क्या आप लोगों को पता है कि उन एनिमल्स की गर्भकाल अवधि कितनी है? तो इन सब चीज़ों के बारे में हम आप लोगों को बहुत ही विस्तृत से बताएंगे। जैसे कि हम बात करते हैं हाथी के बारे में, तो हाथी का जो गर्भकाल अवधि है वो 624 दिन है। जो सबसे लॉन्ग ड्यूरेशन है वो हाथी का ही है, 624 दिन। उसके बाद आती है बात घोड़े की, घोड़े की गर्भ अवधि है 330 दिन। जब जिस दिन प्रेग्नेंट होता है और शिशु के जन्म तक का ये समय है घोड़ा का 330 दिन, बाघ का 155 दिन और कुत्ता का 63 दिन और भैंस का 300 दिन। और सबसे कम समय में, सबसे कम टाइम में जो है एक चूहा प्रेग्नेंट होता है और उसको शिशु को जन्म दे देती है चूहिया, तो चूहे का है गर्भकाल अवधि 21 डेज। ओनली 21 डेज में चूहा जो है प्रेग्नेंट होने के बाद उसका शिशु भी जन्म ले लेता है। तभी आप लोग देखते होंगे आमतौर पर घर में चूहे कभी ख़त्म नहीं होते हैं, चूहों की भरमार रहती है। आप कितने भी पेस्टिसाइड डालें लेकिन चूहे नहीं मरते हैं। चूहे की गर्भकाल अवधि है 21 दिन और गिलहरी की गर्भकाल अवधि है 40 दिन। गिलहरी बहुत ही कम रेयर पाई जाती है, आप जाएंगे कहीं भी पेड़ पौधे पे देखेंगे तो वैसे ही एक दो गिलहरी आपको दिखाई दे देंगी, लेकिन इनका भी जो गर्भकाल समय है वो बहुत ही कम समय है, केवल 40 दिन है। बात आती है चीते की, हमारे राष्ट्रीय पशु की बात आती है चीता की, तो इसका गर्भकाल अवधि है 95 दिन। उसके बाद बात आती है गाय की, गाय जो घर में लोग पालते हैं उससे दूध भी निकालते हैं, दूध भी पिया जाता है, बहुत ही अच्छी चीज़ है। तो गाय की गर्भकाल अवधि है 284 दिन है। और बकरी जो है आमतौर पर गाँव में पाली जाती है या बहुत से लोग पालते हैं, ये पेट एनिमल्स है, तो इसकी जो गर्भकाल अवधि है 151 दिन है। उसके बाद बात आती है शेर की, लायन की बात आती है, लायन जो है केवल 4 महीना मतलब 120 दिन में गर्भकाल अवधि है। प्रेगनेंसी से शिशु जन्म तक की अवधि को ही गर्भकाल कहते हैं, इसको आपको पता होना चाहिए, 120 दिन है। उसके बाद बात आती है कैमल की, जो सिप ऑफ डिजर्ट कहलाता है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि सिप ऑफ डिजर्ट क्यों कहा जाता है कैमल को। कैमल को सिप ऑफ डिजर्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि वहाँ रेगिस्तान, राजस्थान में जो है थार मरुस्थल ज़्यादा हैं, तो वहाँ पर रेगिस्तान रहती है, रेतीली मिट्टी रहती है, उस पर कोई यातायात का साधन नहीं चल सकता है, रोड का निर्माण बहुत ही कम हो पाता है, वहाँ पर बालू ज़्यादा होता है। आप लोग साइकिल अपनी लेकर जाते हैं कभी कभी और बालू पड़ जाता है तो आपकी साइकिल डगमगा जाती है, आपको उतर कर रहना पड़ता है। इसीलिए जो ऊँट होता है इसके पाँव में गद्देदार इसका पाँव होता है, वो चलता है उसका पैर नहीं धरता है, इसलिए ऊँट को रेगिस्तान का जहाज कहा जाता है और आमतौर पर वहाँ पर सवारी के लिए ऊँट का ही इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद अब हम बात करेंगे ह्यूमन बीइंग के बारे में। इसमें फीमेल, एक महिला की गर्भकाल अवधि है 259 दिन से लेकर 294 दिन। अगर 259 दिन से और 294 दिन के पहले अगर बच्चा पैदा हो जाता है तो वो बच्चा फुल्ली मैच्योर नहीं होता है, बच्चे के अंदर कोई ना कोई कमी रहती है, या तो फिर बच्चा बहुत कमज़ोर होगा या तो उसके कई कोई शरीर का अंग या कोई पार्ट्स जो है वेल डेवलप्ड नहीं होगा। ऐसी ही सिस्टम इन लोगों के साथ भी फॉलो होता है, अगर गर्भकाल अवधि से पहले कोई बच्चा जन्म ले लेता है तो वो बच्चा वेल डेवलप्ड नहीं होता है। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को हमारा वीडियो देखने के लिए, अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।